कमलनाथ जी को हम लोग विधायक बनाएंगे और रघुलाल जी को लोकसभा में भेजेंगे। कमलनाथ जी की सिपाही के रूप में मैं तिवारी जी, बलकार जीना और गणेश जी के हम जितने बैठे श्रीवास्तव जी से हम सब हम लोग करेंगे, लेकिन सरकार कमलनाथ जी चलाएंगे। एक बेटी को ऐसा लगा लेना मैं इसका मामा ये दोनों बेटी राजू लक्ष्मी आप बताइए किसी एक बेटी के खाते में बताइए कि वो बोलते थे जब 18 साल की होगी तो लखपति होगी एक बेटी के खाते में कौन सी बैंक से अकाउंट। सबसे छोटे भाई लोग सब आवास की नाराजगी से कांग्रेस से अलग हो गए थे, वो आज कांग्रेस परिवार फिर से वापस आए हुए। मैं अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ और हमारी नीतियाँ जनता के हित में युवकों के लोगों के हित में है। हम ये कोशिश करेंगे इन सबको खुशियाँ दें, निराशा नहीं करें, जो इनकी उम्मीद है उन पर खरा उतरें और कांग्रेस और कमलनाथ जी को लाएँ, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना के इस भ्रष्ट सरकार को हटाएं। यही सब हम लोगों ने निवेदन किया है। यहाँ पर दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित दीपक सक्सेना जी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के सामने हम सभी युवाओं ने, लगभग 1000 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की, क्योंकि उस पर कमलनाथ जी की नीति रीति को प्रभावित देखते हुए हम सभी युवाओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की है। क्योंकि हमने देखा है शिवराज सिंह चौहान जी के हमेशा घोटाले और विकास के नाम पर जुआ सट्टा, यही रोजगार युवाओं को मिलता रहा है, और वहीं कमलनाथ जी द्वारा यस बैंक, SCL, एक से एक कंपनी युवाओं को रोजगार मिलता आया है, जिससे प्रभावित होकर हम सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है और छिंदवाड़ा से दीपक सक्सेना जी को विधायक। कितने युवाओं के साथ अपने कांग्रेस? हमने लगभग 1000 समथिंग युवाओं के साथ यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता जी ज्वाइन की। मैंने, पिंचू बैस जी ने, मोहित ठाकुर जी, अनुराग सराठी जी और भी मेरे मेरे साथ के भाई लोग ने आज यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता। इसके बाद भी आप युवाओं को कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे? इसके तत्पश्चात हम लोग अगला कार्यक्रम डिसाइड करेंगे, उसके और भी युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कराएंगे, और इस बार हमने संकल्प किया है कि दीपक सक्सेना जी को विधायक के रूप में देखेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।